Hello dear students, welcome to the official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Professor Tanmay Kumar Pandit, and today in this video lecture we are going to study about one important article, that is metal semiconductor junctions. तो ये metal और semiconductor junctions क्या होते हैं? तो जब भी हम एक conducting material और एक semiconducting material, इन दोनों को जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे तब एक कंडक्टिविटी में चेंज आएगा, उनके एनर्जी बैंड्स में चेंज आएगा. तो ये चेंज हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे? तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कोई भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, उसको हम एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर के लेवल पे या बॉटम लेवल पे हम उसको फैब्रिकेट करेंगे. तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो मूवमेंट होती है वो मटेरियल के हिसाब से बदलती जाएगी, लेकिन उनको बहुत ही डीपली रिसर्च किया गया और ये आइडेंटिफाई किया गया कि जब भी हम एक मेटल और सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तब दो तरह के जो जंक्शन, या फिर आप कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, वो फॉर्म होते हैं. तो ये दो तरह के जो जंक्शंस है उसको हमने नाम दिया है, पहला है शॉटकी जंक्शन और दूसरा है ओमिक जंक्शन. इसीलिए आप जैसे कि ये स्लाइड में देख पा रहे हैं, when metal and semiconductor are brought into contact, there are two types of junctions formed depending on the work function. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी एक मेटल और किसी एक सेमीकंडक्टर को जब एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ला दूंगा तो दोनों का वर्क फंक्शन सेम रहेगा. मटेरियल के हिसाब से या तो फिर उसकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी फिनोमिनन के हिसाब से वर्क फंक्शन डिफरेंट होंगे. डन. सो ये दोनों जंक्शंस हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं, शॉटकी जंक्शन, ओहमिक जंक्शन. कंसिडर अ जंक्शन फॉर्म बिटवीन अ मेटल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो पहले हम लेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर. जब भी मैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो मैं उसमें ज़्यादातर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, ठीक है. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, VB जो हमारा वैलेंस बैंड है, CB हमारा कंडक्शन बैंड है. डन. आप मेटल की साइड भी देख पा रहे हैं, उसमें वैलेंस बैंड भी है, कंडक्शन बैंड भी है, लेकिन दोनों के फर्मी लेवल की जो पोजीशन है वो काफ़ी डिफरेंट है. अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल जो हायर पोजीशन पे है, ठीक है, जबकि उसका वर्क फंक्शन मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी वो बहुत ही कम है, मेटल की कंपैरिजन में वो कम है. इसीलिए जो फर्मी लेवल है सेमीकंडक्टर का वो जनरली कहाँ पे होना चाहिए, मेटल के नीचे. अदरवाइज जब दोनों का मैं कांटेक्ट करूंगा तब ये सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल क्या हो जाएगा, मेटल के लेवल में आने की वो ट्राई करेगा. तो ये जो पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे जो आप डायरेक्शंस देख पा रहे हैं, जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के, वो कहाँ पे जाने की ट्राई कर रहे हैं, आप जैसे कि फिगर में देख पा रहे हैं, वो मेटल के फर्मी लेवल तक जा रहे हैं. इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनर्जी लॉस कर रहे हैं. डन. या तो हम उसको अदर वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटिंग द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रीच और to maintain equilibrium with the metal material. Okay, so when the metal and semiconductor junction is formed, the Fermi levels, ये condition बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है जबकि हमें metal और semiconductor को एक दूसरे के साथ connect करना है. तो कौन सी position maintain करेंगे, Fermi level दोनों का same energy पे होना चाहिए. फर्मी लेवल्स शुड बी लाइन अप एट इक्विलिब्रियम. सो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की फिगर को ध्यान से देखिए, हमने उसमें काफी सारी चीजें एलोकेट की है. ओके, ये बिफोर कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन है जहां पे दोनों का फर्मी लेवल अलग अलग लेवल पे अभी सेट है, क्योंकि दोनों की एनर्जी ऑफ कोर्स वो तो डिफरेंट ही होगी, इसीलिए दोनों की पोजिशंस भी अलग अलग है. तो यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो EC डिनोट की है. वैलेंस बैंड, मैं सेमीकंडक्टर और मेटल दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, EV जो कि वैलेंस बैंड की एनर्जी है, EFN द फर्मी एनर्जी फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर होता तो ये ई एफ पी होता। डन। यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में कुछ और भी चीजें हैं जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, वो है फाई एन। तो फाई एन क्या है? फाई एन इज द चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। डन। दूसरी चीज जो है वो है वैक्यूम लेवल, जो मेटल के ऊपर डिनोट किया है, दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल, क्योंकि फिलहाल कंडक्शन बैंड में बिफोर कॉन्टेक्ट है ना, तो कोई भी कंडक्शन बैंड में मेटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रहेगा। तो ये बिफोर कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन है जहां पे हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंसेस है मेटल के और सेमीकंडक्टर के रीजियंस में। देर आर इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन लेवल ऑफ द सेमीकंडक्टर, जैसे कि हमने पिछली फिगर में वो देखा था, ऑब्जर्व किया था, विच कैन मूव टू द एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स अबव द फर्मी लेवल ऑफ द मेटल। हमने एक चीज और ऑब्जर्व की थी, वो ये थी कि मेटल का जो कंडक्शन बैंड है उसको वैक्यूम लेवल बोला गया था, मतलब कि मेटल के कंडक्शन लेयर में फिलहाल बिफोर कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था। तो जो सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या ट्राई करेंगे? टू रीच द एम्प्टी एनर्जी स्टेट्स, जिसको हम अभी वैक्यूम लेवल भी बोल सकते हैं। तो वो उसके फर्मी लेवल जो मेटल का है उसके ऊपर जाने की वो कोशिश करेगा। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है तो हम ये जानते हैं कि जो भी मटेरियल या कोई मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये हमने 11वीं और 12वीं के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है। तो अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? सेमीकंडक्टर ने। इसीलिए सेमीकंडक्टर पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किसने किया? मेटल ने। तो मेटल पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मेटल की साइड पे। इसीलिए यहाँ पे एक पोलैरिटी डायग्राम आपको दिखाया गया है कि लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल है, राइट हैंड साइड पे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे ये जो मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होने वाला है, तो ये रीजियन को हम बोलते हैं डेप्लेशन रीजियन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको? डेप्लेशन रीजियन, जिसकी एनर्जी है E0, जो यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी उसको मेंशन किया है। तो यहाँ पे मेटल हैज अ नेगेटिव चार्ज एंड सेमीकंडक्टर हैज पॉजिटिव चार्ज, और जो फ्लो ऑफ द मोशन है, फ्लो ऑफ द मोशन वो कौन सी साइड तक है? सेमीकंडक्टर से मेटल की साइड। और यहाँ पे डेप्लेशन रीजन में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे या ऐसे ही आयंस मौजूद रहेंगे जिसमें डोनर कैपेसिटी हो, इसीलिए हमने उसको डोनर आयन से भी नॉमेनक्लेचर दिया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, जब भी हम किसी भी मेटल या किसी भी सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे। तो ये जनरल थियरी है जिसको हम कोई भी मेटल हो, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी मेटल हो, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर हमारे पास कोई भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हो, हम उस पर भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। डन। तो ये था बेसिक फिजिक्स कंसेप्ट। अभी हम जाएंगे डिटेल में कि ये शॉटकी जंक्शन क्या है, फर्मी लेवल एक दूसरे के इक्विलिब्रियम पे कैसे मेंटेन होंगे, तो ये सारी चीजें अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर में कि जो डेप्लेशन रीजन था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। डन। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेप्लेशन रीजन विद इन द सेमीकंडक्टर, क्योंकि मेटल को तो कुछ नहीं करना है, उसको तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको कंडक्शन बैंड में उसको स्टोर करना है, तो उसकी कंडक्टिविटी तो ऑलरेडी इंप्रूव हो रही है। डन। दस व्हेन अ शॉटकी जंक्शन इज फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एंड द सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइन्स अप। यहां पे जो आप एक सेंट्रल लाइन दिख रहे हो, डन, ER करके, वो आपकी है रिफाइंड फर्मी एनर्जी लाइन। डन। एंड ऑल्सो अ पॉजिटिव पोटेंशियल इज फॉर्म्ड ऑन द सेमीकंडक्टर साइड। तो यहाँ पे जब भी शॉटकी जंक्शन फॉर्म होगा तो फर्मी लेवल जो है वो ऊपर की साइड आएगा, सेमीकंडक्टर से ऊपर की साइड आएगा, बिकॉज द डेप्लेशन रीजन एक्सटेंड्स विद इन अ सर्टेन डेप्थ। देन जो भी डेप्लेशन रीजन है उसका एक्सटेंशन बहुत ही लिमिटेड होता है क्योंकि उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स रहती है। इन द सेमीकंडक्टर देयर इज अ बेंडिंग ऑफ एनर्जी बैंड्स, जो हम देख पा रहे हैं कि आप वैलेंस बैंड को देखिए कि वैलेंस बैंड थोड़ा बेंड हुआ है, हाँ, वो मेटल को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो वैलेंस बैंड हो चाहे वो कंडक्शन बैंड हो। डन। तो ये एक चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसी की वजह से हमें एक डेप्लेशन विड्थ जो भी बेंडिंग पोर्शन है जहाँ से वैलेंस बैंड थोड़ा राइज अप हुआ, सिमिलरली कंडक्शन बैंड भी थोड़ा राइज अप हुआ, तो ये जो रीजन है जहाँ पे वैलेंस बैंड की एनर्जी भी बढ़ रही है कंडक्शन बैंड की भी एनर्जी बढ़ रही है, तो ये रीजन को हम बोलते हैं WD, दैट इज द डेप्लेशन विड्थ। ओके, जितने रीजन तक, जितनी लेंथ तक आपके बैंड्स या फर्मी लेवल राइज अप या राइज डाउन हो रहे हैं उसको हम डेप्लेशन विड्थ बोलेंगे। बाकी सारे डिनोशन वैसे ही है जैसे कि हमने फर्स्ट डायग्राम में देखे थे। तो ये आफ्टर कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन है। हमने जो सबसे पहला डायग्राम स्टडी किया था वो था बिफोर कॉन्टेक्ट, और अभी जो हम डायग्राम स्टडी कर रहे हैं वो है आफ्टर कॉन्टेक्ट। डन। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है जब भी। तो ये जो डायग्राम है वो शॉटकी जंक्शन का है। अभी नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे ओमिक जंक्शन पे। तो यहाँ पे जो बैंड्स है वो राइज अप हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर फील्ड गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। हमने जो पोलरिटी डायग्राम देखा था, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव हो रहे थे? सेमीकंडक्टर से लेके मेटल तक। डन। तो सेमीकंडक्टर का चार्ज पॉजिटिव था, मेटल का नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हुई? पॉजिटिव से नेगेटिव। दिस मीन्स दैट द एनर्जी बैंड्स विल बेंड अप गोइंग फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू द मेटल। द फर्मी लेवल्स लाइन अप एंड देयर इज अ सर्टेन रीजन इन द सेमीकंडक्टर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी डेप्लेशन रीजन आएगा वो मेटल में नहीं फॉर्म होगा, वो कहाँ पे फॉर्म होगा? खाली और खाली सेमीकंडक्टर में, और हमारे प्रेजेंट केस में एन टाइप सेमीकंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है। आगे द शॉटकी जंक्शन, अभी जंक्शन फॉर्म हो गया, उसका हमें रियल लाइफ एप्लीकेशन करना है, तो नॉर्मली तो वो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं रहेगा। हमें उसको एडवांटेजियस कैसे बनाना है? हमें उसको इलेक्ट्रिक फील्ड तो देना पड़ेगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि कुछ एक्सटर्नल वोल्टेज भी उसके लिए चाहिए होगा। तो वो एक्सटर्नल वोल्टेज कहाँ से आएगा? ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने की जो प्रोसेस है उसको हम बायसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायसिंग। तो फिजिक्स के कंसेप्ट की अगर बात करें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, नंबर वन जो कि है फॉरवर्ड बायस एंड नंबर टू दैट इज द रिवर्स बायस। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज क्या है, तो आइए हम उसको बहुत ही इंट्रोडक्टरी सेशन में ही उसको स्टडी कर लेते हैं। उसमें बहुत डीप में जाने की एट प्रेजेंट इस लेक्चर में हमें ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत सिंपल फिनोमिना है। फॉरवर्ड बायस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेटल जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में आएगा, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो नेगेटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में आएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी मैं बायसिंग की बात करता हूँ, एक्सटर्नल पोटेंशियल की बात करता हूँ, वी आर यूजिंग अ बैटरी सोर्स, ओके, ऑफ वोल्टेज कैपिटल V फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें तीन पोल होते हैं, नंबर वन दैट इज द पॉजिटिव पोल, नंबर टू दैट इज द नेगेटिव पोल, एंड नंबर थ्री इज द ग्राउंड पोजिशन, ओके, जिसको हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं करना है, एक सिंपल वायर लेके उसको हमें ऐसे ही ओपन एंडेड छोड़ देना है, सो दैट इज ग्राउंडेड। तो फॉरवर्ड बायस की जो कंडीशन थी उसके जस्ट ऑपोजिट की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगी मेरी रिवर्स बायस कंडीशन, जिसमें मेटल कहाँ कनेक्ट होगी? फॉरवर्ड बायस में वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हो रही थी, इधर रिवर्स बायस में मेटल कनेक्ट होगी नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो कि फॉरवर्ड बायस में नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो रहा था, यहाँ रिवर्स बायस में वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा। तो ये था डिफरेंस फॉरवर्ड बायस कंडीशन का और रिवर्स बायस कंडीशन का। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमने शॉटकी जंक्शन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स उसको बायस कर दिया, अब उसकी एप्लीकेशन क्या होगी, उसमें अंदर प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि फर्मी लेवल तो इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेंगे। तो आइए अभी हम उसको स्टडी करते हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो बिफोर कॉन्टेक्ट और आफ्टर कॉन्टेक्ट वाली जो कंडीशन है, जो हमने पहले स्टडी किया था कि अगर फर्मी लेवल बैंड अप होते हैं तो वो है हमारा शॉटकी जंक्शन। लेकिन जब भी हमारे सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन मेटल से ज़्यादा होगा तब हम उसको बोलेंगे ओहमिक जंक्शन, और जब भी सेमीकंडक्टर का वर्क फंक्शन मेटल से कम होगा जैसे कि पहले फिगर में आप देख पा रहे हैं, तब बेंडिंग अप होगी शॉटकी जंक्शन में, ओहमिक जंक्शन में बेंडिंग डाउन। ओके तो उसके बाद फर्मी लेवल की जो पोजीशन है वो एक इक्विलिब्रियम लाइन पे मेंटेन रहती है। तो अभी तक जो हमने स्टडी किया उसमें मेजर 5 डायग्राम्स आपको याद रखना है। नंबर 1 दैट इज द पोलैरिटी डायग्राम, नंबर 2 द एनर्जी बैंड डायग्राम बिफोर कॉन्टैक्ट फॉर शॉटकी जंक्शन, नंबर 3 एनर्जी बैंड डायग्राम आफ्टर कॉन्टैक्ट फॉर शॉटकी जंक्शन, और सिमिलर 2 and 3 डायग्राम्स फॉर ओमिक जंक्शन। डन। तो ये सारे डायग्राम्स, कुछ है नहीं उसमें। आप देखिए जहाँ पे डेप्लेशन रीजन फॉर्म होता था शॉटकी जंक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओमिक जंक्शन में एक्यूमुलेशन रीजन फॉर्म हो रहा है जहाँ पे ओमिक कॉन्टैक्ट कंटिन्यू रहेगा। डन। एक जगह पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे थे, अभी इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे। शॉटकी जंक्शन में ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, उनकी क्वांटिटी में डिक्रीमेंट आएगा। लेकिन ओहमिक जंक्शन, ओहमिक कांटेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन होगा। डन। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस उनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स में, उनके वर्क फंक्शन में, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी में। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको स्टडी करने हैं शॉटकी एंड ओमिक जंक्शन। चलिए हमने ये बना भी लिया, मेटल और सेमीकंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन क्या, उसको एक्सटर्नल वोल्टेज भी दे दिया, हमको पता भी चल गया कि उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं, फर्मी एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन हो रहा है, आगे क्या, हमें उसका यूटिलाइजेशन तो चाहिए। डन। तो अभी हम उसको स्टडी करते हैं। तो पहले ओमिक जंक्शन की थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन रेफरेंस टू द रियल लाइफ एप्लीकेशंस। द एक्यूमुलेशन रीजन हैज़ द हायर कंडक्टिविटी। तो आप मेटल की कंडक्टिविटी की बात करो, सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी की बात करो, लेकिन उन दोनों से भी ज़्यादा कंडक्टिविटी कहाँ पे मिलेगी, पता है, जो एक्यूमुलेशन रीजन है वहाँ पर, क्योंकि इसी रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑब्जर्व करने को मिल रहा है। Thus, ohmic junction behaves as a resistor, conducting in both forward and reverse bias. The resistivity is determined by the bulk resistivity of the semiconductor. Done. One of the interesting applications of ohmic junction is in thermoelectric devices. This is most important. Thermoelectric devices किसको बोलते हैं? ये डिवाइस उस प्रिंसिपल पे वर्क करती है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, हीट एनर्जी में। हाँ, जैसे कि एक कॉइल होती है जिसको आप वाटर हीटर भी बोलते हैं। डन। तो वो एक तरह के से कॉइल ही है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने अंदर इनपुट में लेती है और आउटपुट में वो हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो वो जो आप डिवाइसेस यूज़ करते हो ना, नॉर्मल वाटर हीटर या आपका कॉफ़ी हीटर, उसमें क्या लगा हुआ है, कॉइल ही है। तो वो कॉइल कोई और प्रिंसिपल पे नहीं, बल्कि अभी जो हम लेक्चर स्टडी कर रहे हैं मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, उसके रिगार्डिंग है। तो ये जो कॉन्टेक्ट था जो बहुत पहले एक कॉपर और एक सिलिकॉन के बीच में फॉर्म किया गया ओहमिक कॉन्टैक्ट, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन कर सके हैं। डन। लेकिन इसमें क्या होता है, अ स्मॉल वॉल्यूम कैन बी कूल्ड और इट कैन बी ऑल्सो हीटेड। बाय मीन्स ऑफ डायरेक्ट करंट्स। इसमें एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि ये डीसी वोल्टेज सप्लाई पे ही वर्क करेगा। हालांकि हमारा एसी वर्किंग होता है लेकिन उसको एक एडीसी मतलब कि एसी टू डीसी कन्वर्टर एक उसमें फॉर्म करते हैं, उसको फैब्रिकेट करते हैं। डन। तो फॉर ओमिक जंक्शन जैसे कि आप ये रीजन देख रहे हो मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का, उसमें कूलिंग कैसे होगा और हीटिंग कैसे होगा, क्योंकि हमें तो दोनों पर्पस के लिए चाहिए। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होंगी, कंडीशन ऐसी होंगी जहाँ पे मुझे ज़्यादा करंट चाहिए और काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होगी जिसमें मुझे हीट कम चाहिए। तो यहाँ पे जो आप क्यू फैक्टर देख रहे हो ना, क्यू फैक्टर दैट इज़ नथिंग बट योर हीट एनर्जी। तो ये जो हीट एनर्जी है जो डाउन एरो है दैट मीन्स द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब कि उसकी हीट एनर्जी बढ़ेगी। एंड upward arrow is representing the emission of energy, emission of heat energy। इसका मतलब कि आपके मटेरियल में से हीट बाहर निकल रही है और आपका मटेरियल का टेम्परेचर कम हो रहा है। फॉर ओमिक जंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ द डायरेक्ट करंट, हम उसको फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं या रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत मायने रखती है कि हमें हमारे मटेरियल की या हमारे फैब्रिकेटेड जंक्शन की हीट एनर्जी इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। तो ये जो इफेक्ट है ना कि फॉरवर्ड बायस किया तो हीट एनर्जी बढ़ेगी और रिवर्स बायस अगर किया तो हीट एनर्जी कम होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पेल्टियर इफेक्ट। डन। क्या बोलते हैं उसको? पेल्टियर इफेक्ट। and is applicable to the junctions between two dissimilar materials। कोई भी दो अलग अलग मटेरियल लेंगे उसके बीच में अगर आप ये सेम कॉन्टेक्ट फॉर्म करेंगे तो ही ये पेल्टियर इफेक्ट आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पे ये ओमिक जंक्शन जो है वो रियल लाइफ एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेड हो चुका है और हम उसका यूज़ भी कर रहे हैं। डन। तो कौन कौन सी मेटल के साथ कौन सा सेमीकंडक्टर लेंगे? ऐसा तो है नहीं कि मैंने कॉपर मेटल ली तो उसके साथ मैं कोई भी सेमीकंडक्टर यूज़ कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए भी बहुत रिसर्च हुई है। डन। और रिसर्च के आउटपुट में ये जानने को मिला कि अगर मैं एल्यूमिनियम मेटल लेता हूँ, डन, अगर मैं एल्यूमिनियम मेटल लेता हूँ तो मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा चाहिए होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा चाहिए होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये टेबल में मेंशन किया है, जर्मेनियम जो है वो आप एल्यूमिनियम के साथ कांटेक्ट में ले सकते हैं। सिमिलरली मुझे सिलिकॉन के साथ लेना है। डन। तो सिलिकॉन के लिए आप देखिए नंबर ऑफ मेटल्स आर इंक्रीज्ड। हाँ, उसमें जर्मेनियम में मैं सिर्फ 5 कॉम्बिनेशंस ले सकता था, जबकि इसमें आप देख सकते हैं सिलिकॉन के साथ मैं 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन को स्टडी कर सकता हूँ। ओके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जहाँ पे कौन सी मेटल के साथ कौन सा सेमीकंडक्टर ओहमिक कांटेक्ट फॉर्म करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिलिकॉन और यहाँ पे दूसरी कोई जो इंडियम है, डन, जो इंडियम मेटल है उसके साथ मैं कांटेक्ट नहीं फॉर्म कर सकता। उसके साथ कांटेक्ट फॉर्म होगा लेकिन कौन सा होगा? शॉटकी कांटेक्ट फॉर्म होगा। उसमें सिलिकॉन और इंडियम के साथ शॉटकी जंक्शन फॉर्म हो जाएगा। तो ये टेबल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ना तो ये आपकी जीटीयू की एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। डन। आपको जीटीयू की और इंटरनल एग्ज़ाम्स जो आएगी उसके लिए मैंने जैसे कि आपको बोला उसका इंट्रोडक्शन, ये मेटल और सेमीकंडक्टर जंक्शन होता क्या है, उसमें प्रोसेस क्या होती है, उनके एनर्जी बैंड डायग्राम्स कैसे होते हैं, बिफोर कॉन्टैक्ट आफ्टर कॉन्टैक्ट, उनके टाइप्स क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, किस किस तरह से हम उसको बायस कर सकते हैं, उस बायस के साथ उसकी इफ़ेक्ट क्या होती है। डन। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो लेक्चर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हसमुख गोस्वामी College of Engineering. Thank you so much for visiting this video lecture.